18 तारीख को हमें खबर मिली है कि हमें 4 से 5 टेररिस्ट यहाँ से भाग के निकले हैं, तो हमें यहाँ से हेली के द्वारा उस जगह पे ड्रॉप किया गया। तो वहाँ पे स्नो इतनी ज्यादा थी कि हम छाती से ऊपर तक बर्फ में धंस गए। तो वहाँ से निकलने में लगभग हमें आधा घंटा लग गया। आधे घंटे तक हमें अपना वहाँ से निकल करके अपना सामान चेक करके फिर उनका ट्रैक फॉलो किया। जब हमें उनका ट्रैक मिला तो उसको ट्रैक फॉलो करते रहते हमें 4 से 5 घंटे लग गए वहाँ, जहाँ पे जाके हमें उनके टेरिटोरियल साइड मिले। तो वहाँ से हमें और भी टेक्टिकल मूवमेंट शुरू हो गई हमारी। उसके बाद थोड़े से आगे जाकर के हमें स्पॉट हुए, तो वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट दिखाई दिए उनके ऊपर हमने MG फायर किया। तो वहाँ पे बहुत ही गहरा नाला था, तो वो टेररिस्ट उस नाले में कूद गए। तो जैसे हम आगे उनको चेक करने के लिए गए, वहाँ पे हम लग रहे थे, तो उस जगह पे दो कॉर्नर बनते हैं, दो पहाड़ियाँ, तो एक साइड में हमारा स्क्वाड, एक साइड में सुबह संजीव साहब का स्क्वाड हो गया। तो हम बैठ रहे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ, स्लाइड हुई और संजीव साहब के स्क्वाड के दो बंदे नीचे गिर गए। तो उनको बचाने के लिए संजीव साहब की साथ में कर गए और नीचे टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो गई। तो उनकी बहुत ही ज्यादा फाइट हुई और आपस में वो बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो गई। तो सुबह संजीव साहब ने एक टेररिस्ट को बुरी तरह से पकड़ लिया और चिल्ला रहे थे, और थोड़ी देर में उनके बड्डी जो है वो भी उनको बचाने के लिए आगे चले गए। जब तक उनको पता नहीं कि टेररिस्ट मर गए हैं बचे हुए हैं, तो उसमें कुछ एक टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो जैसे वो नीचे उनको बचाने के लिए गए, तो टेररिस्ट ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों टेररिस्टों को मार गिराया। जब सुबह हमने उनको देखा, तो उसमें सुबह संजीव साहब जो है एक टेररिस्ट के साथ चिपके हुए।